आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बीटीएस न्यूज चैनल पर। बीटीएस न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रफत अंजुम, आवास तेलंगाना स्टेट वुमेन्स कमेटी की ज्वाइंट सेक्रेटरी। आप सभी बहनों भाइयों का सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ जो कि आप लोग हमको सपोर्ट करें। आप सभी को, जैसे कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ मिस्टर गफूर खान का, जो कि सेक्रेटरी है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी महदेवर क्लब बोर्ड के, कि एक लड़की ने उनको आंख मारी तो उन्होंने लात उठाए बोल के। सब लोग इस पे, सबके आंखें खुली, सबको ये मालूम हुआ कि ऐसा उनके लिए मैं एक स्टेटमेंट दी थी कि इससे पहले उन्होंने एक लड़की पर लात उठाए बोल के। तो जब मैं उनको अप्रोच करी थी तो उस दिन उन्होंने बोले कि मैं एक कॉलेज की बच्ची पर आंख उन्हें मारी तो मैं लात उठाया बोले। तो जबकि मैं प्रीवियस वीडियो में एक ऐसी लड़की को एड्रेस करी जो कि वो कॉलेज की नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट वन, कि उन्होंने बहुत लड़कियों के ऊपर हाथ उठाए। एक लड़की रहमत होती, अपन सबको उसकी इज्जत करनी चाहिए, और उन्हें इतने बड़े मुकाम पे होके एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सेक्रेटरी होने के बावजूद लड़कियों पे हाथ उठाते, लात उठाते, ये कहाँ की इंसाफी है, पहली चीज़। दूसरी बात, ये जो हमारी मीटिंग हुई, ये जो वीडियो वायरल हुआ सो है, सब लोग ये अफवाह फैला रहे हैं उनको सपोर्ट करते हुए कि ये 3 साल पुराना वीडियो है बल्कि। तो ये वीडियो मेरे खुद का वीडियो है और जो कि 7 अप्रैल 2022 को 11:30 को लिया गया हुआ है, जो कि मेरे आवास वुमेन्स कमेटी मेंबर्स की मीटिंग थी मिस्टर गफूर खान के साथ। तो आप लोग सब देख सकते हैं, ये वीडियो की एक छोटी सी क्लिप है, वो 24 मिनट्स का वीडियो है, 24 मिनट्स की मीटिंग थी हमारी। तो वो मीटिंग में किस तरीके से रूड बिहेवियर करे आप सब देख सकते हैं, ये सिर्फ एक लाइन है उनकी। तो जैसे कि सब ये न्यूज़ चैनल में सब जगह बताया जा रहा, वायरल हो रहा, तो सब जगह से उन लोगों को थोड़ा प्रेशर आ रहा। जो लोग वो गफूर खान को सपोर्ट कर रहे हैं उन लोग बोल रहे हैं कि ये 3 साल पुराना है, ओल्ड न्यूज़ को फिर हाईलाइट कर रहे हैं बोल के, उनके ऊपर केस करते बोल रहे हैं। तो मेरी इल्तिजा उन सबसे है कि आप चाहो तो मुझे अप्रोच करो ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि एक तो मेरे पास वो वीडियो है, दूसरा सेकेंड प्रूफ महदेवियर ट्रस्ट बोर्ड में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। अगर से आप 7 अप्रैल को जाके 11:30 का वीडियो देखेंगे, कैमरे का रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये लेटेस्ट वीडियो है जो कि हम लोग आवाज़ एग्जीबिशन के लिए मिस्टर गफूर खान से अप्रोच करें। और हमारी रिक्वेस्ट थी कि ये एक कोई कमर्शियल मोटिव नहीं है, अपनी होम के औरतों को बढ़ाने के लिए हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ी सी जगह दे दीजिए यहाँ पे उन लोग स्टॉल्स लगाते बोल के। तो उन्होंने एज अ सेक्रेटरी ऑफ महदेवियर ट्रस्ट बोर्ड या तो यस बोलना चाहिए था या नो बोलना चाहिए था, लेकिन उनको पहले तो औरतों की रेस्पेक्ट करने नहीं आता, किस तरीके से बात करना वो नहीं आता। दूसरा, जब सब लोग बोल रहे कि 3 साल पुराना है वो, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इन लोग 3 साल से लड़कियों को उल्लाता मार लेते हुए आ रहे हैं और कोई एक्शन नहीं लिया आज तक? क्या महदेविया ट्रस्ट बोर्ड पूरा सो रहा है, अपनी आवाम पूरी सो रही है? क्या है ये, औरतों पे अत्याचार हो रहा है तो कोई भी सवाल क्यों नहीं उठा रहे? ये मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करी क्योंकि मैं कुछ भी बात बोली तो सभी ने प्रूफ पूछते, इसलिए ये मेरा लेटेस्ट वीडियो है। तो 3 साल से क्या हो रहा है, इतना डोमिनेशन क्यों बर्दाश्त कर रहे लोग, क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? मेरी रिक्वेस्ट है महदेविया ट्रस्ट बोर्ड से कि आप क्रॉस वेरिफिकेशन करिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। और हमारी रिक्वेस्ट है कि मिस्टर गफूर खान सर को रेसिग्नेशन कराइए, 15 दिन का टाइम आपको दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक औरत की इज्जत करना सभी पे लाजमी है, क्योंकि कुरान में भी आप देखें तो औरत की इज्जत का मर्तबा बहुत ऊंचा है। तो रेस्पेक्ट वुमेंस, अगर से आप लोग हमारी रेस्पेक्ट करेंगे तो आपके घरों में खैर बरकत और रहमत रहेंगी। और ये मैं हर बहनों और भाइयों से बोलूँगी कि अपने बहनों और भाइयों की रेस्पेक्ट करके हमको सपोर्ट करिए और गफूर खान के ख़िलाफ़ एक्शन स्ट्रिक्ट लीजिए। और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के प्रेसिडेंट और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मेंबर से भी रिक्वेस्ट है कि गफूर खान सर को रेजिग्नेशन दिलाइए। तो ये 15 डेज़ का टाइम मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि फिर आगे उन्होंने क्या एक्शन करते क्या है नहीं मालूम। और जो ये 24 मिनट्स की हमारी मीटिंग हुई, आगे और वीडियोस में भी आपको बताऊंगी कि हर एक पॉइंट के ऊपर हर उनका कैरेक्टर बताऊंगी मैं, किस तरीके से उन्हों वो औरतों की मीटिंग में हम लोगों से बिहेव करें। क्योंकि कोई एक आपको एक कमिटी मेंबर आके मेरे, कोई नॉर्मल औरत आके नहीं, मेरे ऐगा से एक इंडिविजुअल औरत भी आई तो आपको उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एक कमिटी मेंबर आए तो उनसे कैसा बात करना है क्या है आप देखिए। आगे के वीडियोस में और बताऊंगी कि उन्हों एज अ सेक्रेटरी बोर्ड को एलिजिबल है या नहीं है, क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते, क्योंकि जो आदमी एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता, जब उसको गुस्सा आ जाता तो उन्हें लात उठा दे सकता, और ये क्या आंख मारे ये वो झूठे इल्ज़ाम लगा दे सकता, क्या वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबर बनने के काबिल है?
उसके सेक्रेटरी बनने के काबिल है। ये क्वेश्चन मेरे पूरी आवाम से और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से है, क्या उन उस काबिल है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इस पर गौर फरमा के उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करिए और उनको जल्द से जल्द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबर एंड सेक्रेटरी पोस्ट से हटा दीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी फ्यूचर टूर्स एंड ट्रेवल्स, इंजन बोरी रोड अपोजिट फलकनुमा पुलिस स्टेशन। सर्विसेज एयर टिकटिंग, रेलवे बुकिंग्स, बस बुकिंग्स, कार्स बुकिंग्स, रियल इस्टेट्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स, सेल्स एंड परचेज, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर्विसेज। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट फरहान अली खान 8106786291।